यूपी पुलिस पर कई पुलिसकर्मियों ने दाग लगाए हैं, मामले ढेरों हैं, तनातनी अक्सर जनता और पुलिस के बीच देखी जाती है, लेकिन विभाग के अंदर भी अनुशासन की, कर्तव्य की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आया है। एक थानाध्यक्ष पर आरोप है कि वह महिला सिपाहियों की ड्यूटी अपने घर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाता है। इससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरोप लगा है सकरन थाने के थानेदार पुष्पराज कुशवाहा पर। कहा जाता है कि जो महिला पुलिसकर्मी बच्चों को पढ़ाने से मना करती हैं, उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी जाती है, फिर ट्रांसफर करा दिया जाता है। थानेदार का परिवार थाने में बने आवास में रहता है। पुष्पराज के दो बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी महिला सिपाहियों पर रहती है। खैर, वीडियो वायरल हुआ और अब इस मामले में अफसरों ने संज्ञान लिया है। इस संबंधित प्रकरण संज्ञान में आया है। मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जांचोपरांत जो भी इसके तथ्य निष्कर्ष होंगे उसके आधार पर अगली वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित।